इस बीच एक और बड़ी खबर क्वाड से जुड़ी हुई, टोक्यो जाना है ना तो क्वाड की खबर देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्वाड की मीटिंग पर दुनिया की नजर है, टोक्यो में पीएम मोदी भी मीटिंग में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध भी इस मीटिंग के एजेंडे में शामिल हो सकता है। चीन से निपटने की भी मीटिंग में बन सकती है रणनीति, आपसी सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर भी जोर देंगे ये चारों देश। क्वाड यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चार देशों का संगठन। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपको मालूम है प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, और उसके बाद अब ये एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है। टोक्यो चलते हैं सीधे, जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है। अभिषेक, बारिश हो रही है क्या वहां पर? यहां तो ऐसा लगता है कि इस मीटिंग ने बड़ा माहौल गर्म कर दिया है इस रीजन का। देखिए, ये बारिश सिर्फ यहाँ की जलवायु का परिचय दे रही है, बाकी माहौल जो आप कह रहे हैं वो गर्म ही है। और माहौल इसलिए ज़्यादा गर्म है क्योंकि चीन की जो गतिविधियाँ हैं, हमें देखिए इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में हैं, और चीन की गतिविधियाँ साउथ चाइना सी में लगातार इस समय क्वाड को चुनौती देने वाली हैं। चीन ने एक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर देने की खबर है, जंगी जहाज उतार दिए हैं, चीन ने एयरक्राफ्ट करियर इसी साउथ चाइना सी में अपना तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही चीन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा उस समय में जब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस समय साउथ कोरिया पहुँच चुके हैं। अब वो साउथ कोरिया में है, इसके बाद उनको जापान आना है, तो इस समय चीन यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और दूसरी ओर जापान में जो शिंकाकू आइलैंड है उसको लेकर के भी गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा इस समय तनाव का रूप ले रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि शिंकाकू आइलैंड हमारी सुरक्षा संधि के अंतर्गत आता है, यानी अगर चीन इस पर कुछ निगाह उठाता है तो हम जापान की रक्षा करेंगे, ये भी हमारी सुरक्षा संधि के दायरे में है। तो मामला यहां पर बहुत ही ज्यादा तनातनी का है इस समय। ठीक है, मैं जनरल प्रसाद को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। जनरल प्रसाद, क्वाड जिसको नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें इसके सदस्य देश, लेकिन चीन इसको एशिया का नेटो कहता है। चीन कहता है कि यह चीन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है यह संगठन। यह नेट जिस तरह से क्वाड आगे बढ़ रहा है, आप कैसे एनालाइज करते हैं, और यह चीन को काउंटर करने के लिए कितना अहम दिखता है आपको? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में, क्वाड इज बेसिकली एन इकोनॉमिक फोरम। वहाँ पे बाइडेन साहब का अगर आपने कल का बयान सुना हो तो बाइडेन साहब ने भी यही कहा था कि मैं इकोनॉमी में देखना चाहता हूँ वहाँ पर किस तरह से मिलाप हो सकता है सब क्वाड कंट्रीज का। लेकिन एक तरफ तो वो बात रही, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी और मिलिट्री और सिक्योरिटी एक साथ चलते हैं। अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है, तो मिलिट्री पोटेंशियल, सर्विस पोटेंशियल, आर्म फोर्सेस पोटेंशियल, उसका पुख्ता होना पड़ेगा। तो उस तरीके से आपने देखा और आपने खुद ही बताया अभी कि जिस प्रकार से चाइना ने अपनी साउथ चाइना सी में नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है अलॉन्ग विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, उसी के जवाब में सेवंथ फ्लीट भी वहाँ पर आसपास में है, वो भी आपने देखा। आपने वो भी आपने बताया कि कितने उनके एयरक्राफ्ट हैं, कितने उनके बैटलशिप्स हैं। लेकिन बात यह है समझने की कि इस समय वर्ल्ड के अंदर, आपने एक सवाल बीच में उठाया था कि किस किस्म की लड़ाई हो रही है, दिस वॉर, दिस कॉन्फ्लिक्ट आर ऑल बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। इन इकोनॉमी का मतलब है चाहे हथियार का व्यापार हो, चाहे गैस का व्यापार हो, चाहे ऑयल का व्यापार हो, चाहे फूड ग्रेन का व्यापार हो। तो इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। हर एक देश यह चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करूँ, लेकिन हो क्या रहा है, उसका नतीजा उल्टा निकल रहा है। ये क्यों नहीं लोग समझ रहे कि आप एक तरफ इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ देश में वर्ल्ड में देखिए ऑयल के प्राइस बढ़ गए, कोई लेना देना नहीं है सर, उन लोगों का जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं, उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।